जैसे कि आपको पता है आज हम यूजीसी नेट का जो पेपर होता है विजुअल आर्ट का, उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। आज हम करेंगे विजुअल आर्ट का जो पेपर है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे यानी विजुअल आर्ट का जो पेपर होता है नेट का, उसका कोड 79 रहता है और ये यूजीसी का ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है, जैसे विजुअल आर्ट को फाइन आर्ट भी कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। और इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, डिज़ाइन, ठीक है, ऐसी। और बाद में इसमें फिर थोड़ा सा अप्लाइड आर्ट को भी, जो कमर्शियल आर्ट से रिलेटेड है, उसको ऐड किया गया। बाकी आप खुद पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मिलेगा। इस वीडियो की लिंक में आपको ये नोटिस पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक होंगे, ठीक है। 10 यूनिट होंगे बेसिकली, और इलेक्टिव 5 होंगे, 5 तक इलेक्टिव होंगे, 1 से लेकर 5 तक आपका इलेक्टिव होगा और यूनिट होगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये 15 टोटल होंगे जो पूरा विजुअल नेट का जो पेपर होगा, विजुअल आर्ट का जो नेट का एग्जाम होगा, वो इसी के अंदर से डिजाइन किया गया होगा, ठीक है। तो देखिए, अब यूनिट 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो यूनिट 1 में यानी जो टॉपिक्स हैं वो है फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट की जो फंडामेंटल होते हैं, जैसे लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, टेक्सचर, टोनल वैल्यूज, पर्सपेक्टिव और डिज़ाइन एक्सेट्रा, ठीक है। ये थोड़े फंडामेंटल विजुअल आर्ट के रिलेटेड है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक्स है। और फिर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग विजुअल परसेप्शन, यानी विजुअल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको भी थोड़ा समझना होगा आपको, जैसे प्रपोर्शन, यूनिटी, हारमोनी, रिदम, कंट्रास्ट, बैलेंस, फोरशॉर्टनिंग। फोरशॉर्टनिंग बेसिकली पर्सपेक्टिव से ही रिलेटेड होता है। और एम्फेसाइज, फिर आता है रिप्रेजेंटेशन थ्रू टू डायमेंशन, टू एंड थ्री डायमेंशन इन विजुअल आर्ट, ठीक है। थ्री डायमेंशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट 1 में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। यूनिट 2 में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। यूनिट 2 में आपको टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट, देयर इंटर रिलेशनशिप होंगे विजुअल आर्ट से। तो इसमें होगा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा और लिटरेचर। देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट में आपका डांस भी आ जाता है, ड्रामा भी आ जाता है, और सिनेमा, लिटरेचर, ये सारे आपको यूनिट 2 में थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो ये जो यूनिट में दे रखा है ना, देखिए यूनिट 1 से लेकर 10 तक सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आप कोशिश करना सबको यानी कवर करने का, ठीक है। चलिए यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 में पूछा है टॉपिक, बताया गया टॉपिक में नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल मीडियम, जो ट्रेडिशनल मीडियम होते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, मटेरियल एंड टेक्निक्स पढ़नी होगी ट्रेडिशनल की, जो भी है, एप्लीकेशन इन डिसिप्लिन, विजुअल एक्सप्रेशन और कार्विंग एंड कास्टिंग प्रोसेस, जो स्कल्पचर का पार्ट होता है, ठीक है, कार्विंग और कास्टिंग, ठीक है। तो ये पढ़ना होगा हमें स्कल्पचर के बारे में बेसिकली। तो ये कुछ टॉपिक हो जाएंगे यूनिट 3 में। फिर हैंडलिंग ऑफ कलर, पिगमेंट, कलर की कैसे हैंडलिंग, पिगमेंट क्या होता है, बाइंडर क्या होता है, इम्पेस्टो क्या होता है, थिक कलर की कोटिंग, ग्लेजिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक सही में यानी अच्छी बात है कि ये सिलेबस में है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के यानी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जो थ्योरी वाला हिस्सा है ना कहीं आर्टिस्ट उसमें वीक होता है, अगर वही प्रैक्टिकल वाले ही थ्योरी में पूछा जाए तो थोड़ा उसके लिए आसान हो जाता है। और देखिए टॉपिक है इंटाग्लियो रिलीफ प्रिंटिंग, प्रिंट मेकिंग के ये, ठीक है, इंटाग्लियो रिलीफ, फ्रेस्को और प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर म्यूरल, म्यूरल के लिए ग्राउंड कैसे बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ वसली फॉर मिनिएचर। आपको पता होगा जब मुगल काल पढ़ा होगा आपने, वसली जो मिनिएचर पेंटिंग बनाया करते थे, वसली कैसे बनाया करते थे उसको, है ना, दफ्ती, वसली, ये सारे मुगल यानी उसके शब्द है ईरानी। और ये यूनिट 3 में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं।
यूनिट 4 में देखिए आपको क्या कवर करना है, डेवलपमेंट इन मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स को कवर करना है आपको, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन कंटेम्प्रेरी विजुअल प्रैक्टिसेस, और इंस्टॉलेशन दिखाना है। देखिए इंस्टॉलेशन आर्ट जैसे सुबोध गुप्ता हो गया, अनिश कपूर हो गया, इनके काम देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडियाज होगा। मल्टी कलर प्रिंट देखना है आपको कि किससे होता है, जैसे विस्कोसिटी वगैरह वगैरह, और कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन हो गए जैसे वेक्टर रेस्टर, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे वेक्टर को आप जितना मर्जी लंबा चौड़ा कर लीजिए ये पिक्सेलेट नहीं होगा, बट रेस्टर को आप लंबा चौड़ा करोगे तो ये पिक्सेलेट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी यानी आपको टॉपिक यहाँ पे बहुत सारे क्लियर करने होंगे। तो ये यूनिट 4 में मल्टीमीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आर्ट, देखिए आज यानी आने वाले पेपर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूछ सकते हैं, तो फोटोशॉप अडोब की जो फैमिली है ना उसका जरूर पढ़ लेना एक बार कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ठीक है, रियलिज्म हाइपर रियलिज्म, ठीक है। तो ये यूनिट 4 के थे, यूनिट 5 पे चलते हैं, द स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक एंड आर्ट परसेप्शन। अब देखिए जो एस्थेटिक है हमारे पांचों यूनिट में, जो इंडियन विद्वान थे जो फिलोसोफर थे, जैसे आपके इंडियन हो गए जैसे भरत मुनि जैसे ही बहुत सारे अभिनव गुप्त और दांडी वगैरह, और वेस्टर्न के प्लेटो और एरिस्टोटल वगैरह, तो उनकी जो एस्थेटिक सेंस थी, उनके परसेप्शन क्या थे, वो आर्ट से रिलेटेड वो सारे आपको पढ़ने होंगे, और ये यूनिट 5 का ही पार्ट है। ठीक है, यूनिट 6 में देखिए क्या कवर करना होगा आपको, स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पीरियड्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ वेस्ट। ठीक है, विद फोकस ऑफ वेरियस मूवमेंट एंड ट्रांसफर इट्स हिस्ट्री। देखिए जो यूनिट 6 में आपको कवर करना है वो प्री हिस्टोरिक से लेकर, जो आपने देखा होगा फ्रांस और स्पेन में जो प्री हिस्टोरिक केव्स है ना, लास्कोक्स वगैरह की, तो आपको थोड़ा सा वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, और फिर जो वेस्टर्न के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी वहाँ से लेकर उस मॉडर्न तक के वेस्टर्न आर्टिस्ट का पढ़ना पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे जैसे रेनेसांस क्यूबिज्म वगैरह, ये बहुत सारे मूवमेंट हुए थे ना, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समय के अनुसार सबसे पहले कौन आया लास्ट में, ऐसे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये यूनिट 6 में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 7 में देखिए स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पीरियड एंड डेवलपमेंट्स इन इंडियन आर्ट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू 19th सेंचुरी। अब यूनिट 7 में देखिए आपको उसी चीज का इंडियन वर्जन पढ़ना है, मतलब जो प्री हिस्टोरिक केव देखोगे ना आप इंडिया के अंदर, जैसे प्रागैतिहासिक गुफाएं कहाँ पर है, भीमबेटका की तरफ है, ठीक है, जहाँ पे आदि मानव ने चित्र बनाए थे, तो वहां से लेकर 19th सेंचुरी जो बंगाल का यानी रिवाइवलिज्म हुआ था, ठीक है, वहां तक का अच्छे से पढ़ना है, वो भी क्रोनोलॉजिकल यानी समय के अनुसार। ठीक है, जैसे प्री हिस्टोरिक, फिर आपका आएगा हड़प्पा, फिर आएगा मौर्य, कुशांशु, ऐसे ऐसे करते करते मुगल फुगल, ये आपका बंगाल शैली तक पहुँचेगा। बंगाल से भी बाद में शायद ये आप आगे भी कवर करना, जैसे पटना शैली, कंपनी शैली, और ऐसे ही आगे तक ये जो बढ़ते गए हैं। ठीक है, तो ये कवर आपको करना है 7th यूनिट के अंदर। 8वां यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 8 है हमारे सामने, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस इन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग 20th एंड 21st सेंचुरी। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे 19th सेंचुरी तक पढ़ोगे, यूनिट 8 में आपको 20वीं से 21वीं शताब्दी पढ़नी है, ठीक है, 21st सेंचुरी तक पढ़ना है, विथ रेफरेंस ऑफ आर्ट एंड मूवमेंट, जो मूवमेंट चले उसके बारे में पढ़ना है, मेजर एक्सपोनेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है कि मॉडर्न टाइप में क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं स्पेशली एडवर्टाइजिंग में, और डिजाइनिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटल मोड्स इन कंटेम्प्रेरी विजुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सारे कवर आप, ये टॉपिक कवर आपको करने होंगे। और डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम कॉलोनियल ब्रिटिश आर्ट स्कूल टिल द प्रेजेंट। ठीक है, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपने मद्रास, आपको पता होगा मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट, कलकत्ता और इंदौर, आपका राजस्थान और लाहौर, ये सारे यानी ब्रिटिश सर के समय बने हुए कॉलेज है, तो वहाँ से लेकर अब तक का क्या प्रोसेस रहा, क्या चेंजेस हुए, क्या डेवलपमेंट हुए, तो ये सारा आपको यूनिट 8 में कवर करना होगा। यूनिट 9 की ओर आते हैं, यूनिट 9 में देखिए द स्टडी ऑफ आर्ट इन द फार ईस्ट साउथ ईस्ट
एंड सेंट्रल एशिया एंड एंशंट नियर ईस्ट। ठीक है, जो नाइन्थ वाला है ना यूनिट, इसमें शायद ही कम क्वेश्चन आए, बट आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे चाइना में क्या डेवलपमेंट हुए आर्ट के नाम पर, टेराकोटा आर्मी और बहुत सारे, जैसे पेपर का इन्वेंशन, प्रिंटिंग का इन्वेंशन, और जैपनीज आर्ट के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा सा कंबोडिया का भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये थोड़े से जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हम भारत के अड़ोस पड़ोस में भी जहाँ जहाँ पे आर्ट का डेवलपमेंट हुआ उसको पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, जिसमें नेपाल भी शामिल होगा, श्रीलंका भी शामिल होगा। ठीक है, तो ये हमें यूनिट 9 से रिलेटेड है, तो यूनिट 9 को हम उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक कवर करेंगे। अब है यूनिट 10। यूनिट 10 में हमें क्या क्या कवर करना है, अंडरस्टैंडिंग विजुअल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज एंड देयर कंटेम्प्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन, द फोक ट्राइबल एंड क्राफ्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया। देखिए, जो फोक और ट्राइबल आर्ट है ना इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। जैसे राजस्थान में देखा जाए तो जो फड चित्र होते हैं भीलवाड़ा के अंदर, वो राजस्थान का फोक आर्ट में आएगा। और अगर ट्राइबल देखो तो झारखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो गया, तो ट्राइबल आर्ट वहाँ पे ज़्यादा की जाती है। और दोनों को देखा जाए तो जैसे बिहार, मधुबनी और उड़ीसा के पटचित्र, ये क्या है, ये सारे फोक और ट्राइबल आर्ट हैं। ठीक है, उनके स्टाइल हैं, तो आपको इनके सारे बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्राफ्ट प्रैक्टिसेस इंडिया कहाँ कहाँ की जाती है, कौन कौन सी है, उसके सारे आपको यानी बेसिकली करना पड़ेगा पढ़ाई, जब भी आप ये 10 के 10 यूनिट को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो यहाँ पर अपने यूनिट पूरे 10 जो टॉपिक्स थे वो देखे। अब देखिए, टॉपिक्स को देखा जाए तो उसके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी सब सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैंने बोला आपको इंडियन आर्ट पढ़ना है, इंडियन आर्ट के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक है। जैसे मुगल शैली हो गई, अजंता शैली हो गई, मौर्य शैली हो गई, तो ये स्कूल और स्टाइल वगैरह ये सब सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और फिर सब सब्जेक्ट के जो टॉपिक होंगे उसमें भी सब सब सब्जेक्ट होंगे। तो इतना डिटेल से टॉपिक हमें इलेक्टिव में मिलता है। ठीक है, इलेक्टिव में जो ये 5 इलेक्टिव हैं 1 से 5 तक, ये सारे बहुत ही सब सब टॉपिक पर डिस्कस किया गया है, जिससे ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको बेसिकली। ठीक है, तो मैं सब सब टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ टॉपिक और सब टॉपिक डिस्कस करूँगा। इलेक्टिव 1 में देखिए आर्ट हिस्ट्री आएगी। आर्ट हिस्ट्री में भी जैसे आपने पहले देखा होगा यूनिट 1 में प्रिंसिपल ऑफ आर्ट वगैरह ये सारे रहेंगे। ठीक है, और ये थ्योरी रहेगी जिस आर्ट की, पूरी थ्योरी रहेगी, परसेप्शन ये ज़रूरी है। और आप ये खुद पढ़ लीजिएगा ये सारे टॉपिक और ये देख लेना। फिर दूसरा सब टॉपिक है इंडियन आइकोनोग्राफी। इसमें जो मेन है वो देखो ये है इंद्रा, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, अष्टदिक्पाल, विष्णु, शिवा, शक्ति, सप्त मातृकाज, कार्तिकेय, गणेश एंड रिवर गॉडिस, जो गंगा और यमुना है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में आप जानना कि ये गॉड कौन से हैं, और इनके थोड़े से वस्तु वेशभूषा देख लेना, इनकी जो होती है पोस्टर वो देख लेना, और इनका जो वाहन है वो देख लेना, जैसे गणेश का वाहन चूहा, कार्तिकेय का मोर। ठीक है, और ऐसे ही ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। आइकोनोग्राफी इंडियन स्कल्पचर पूछा जाता है, जैसे मौर्य में क्या थे, सूंग, सातवाहन, कुषाण गुप्त, ऐसे यानी ये राजस्थान के चंदेल तो मध्य प्रदेश को हो गया, सोलंकी परमार राजस्थान के चालुक्य, और ये साउथ इंडिया के हो जाएंगे चालुक्य पल्लव, और राष्ट्रकूट थोड़े महाराष्ट्र साइड के। तो ये आप सभी को पढ़ने हैं स्कल्पचर के अंदर, ये कि इनके राज्यकाल में क्या क्या बना, कैसे बना। ठीक है, फिर इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ना है आपको, जिसमें आप इंडस वैली से लेकर मौर्य तक के सारे पढ़ोगे, और उसमें फिर अजंता वगैरह भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लोमेश ऋषि। ठीक है, जो ये रॉक कट केव्स थी जो, ठीक है, पाषाण समथिंग कुछ है हिंदी में, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। और ये सब सब टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
मैं आपको इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो का बहुत लंबा समय चला जाता है ये बनाने में, इसलिए ये आप सब पढ़ना। मैं ऊपर ऊपर से सब सब टॉपिक अच्छे से समझा रहा हूँ और ये सब सब टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखे हैं जिसे पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है आपको, ठीक है। तो इंडियन आर्किटेक्चर में ये सारा आपको यहाँ से यहाँ तक का पढ़ना है, जिसमें रेड फॉल महल, जामा मस्जिद सब आना है, ठीक है। ये मॉडर्न में भी आ जाएगा, जैसे चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन किया और ये समथिंग वगैरह देख लेना। और फिर आते हैं इंडियन पेंटिंग, उसका प्री मॉडर्न से लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ रिसेंट तक, बाग बादामी एलोर सीतन वासल, ठीक है, अजंता से लेकर कैसे यानी क्या हाँ पे, तो ये सारा देख लेना आप। फिर आते हैं मॉडर्न आर्ट पर, जो इंडिया के अंदर मॉडर्न आर्ट जैसे राजा रविवर्मा ने स्टार्ट की, फिर ई बी एवल, ए के अनंत कुमार स्वामी, स्टेला कैमिश आई, अवनिंद्र नाथ टैगोर, बंगोल स्कूल, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और बहुत अच्छे से टॉपिक दे रखा है, एक एक टॉपिक को आप यानी 10 टॉपिक को आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसकी मैं टेक्निक बताता हूँ लास्ट में। तो ये हो गया इलेक्टिव वन के, अभी और हैं जैसे वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ना है, उसमें वेस्टर्न आर्ट में प्री हिस्टोरिक से लेकर प्रेजेंट तक का आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे वेस्टर्न की प्री हिस्टोरिक की बात की जाए तो जिसमें इजिप्ट वगैरह आते हैं, फिर ग्रीक वीक और प्री हिस्टोरिक, उससे भी पहले की बात करें तो प्री हिस्टोरिक बेसिकली तो लास्कोक्स और आपकी प्री हिस्टोरिक में लास्कोक्स आ जाएगा, अल्तमीरा आ जाएगा, वहाँ उन गुफाओं के जो चित्र बने वहाँ से पढ़ते हुए आपको आगे जाना है। ये देखिए सारा लिखा हुआ है, एजियन, इजिप्ट, ग्रीस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप एक एक करके पढ़िए, बहुत प्यारे टॉपिक है। आर्ट और यानी एंशंट नियर ईस्ट, ठीक है, थोड़े प्राचीन जो आर्ट हुई थी नियर ईस्ट, ठीक है, वो पढ़ना है हमें, मेसोपोटामिया वगैरह या सीरियन, ये वाले टॉपिक आप देख लेना। आर्ट फॉर फार ईस्ट, ईस्ट से दूर दूर तक की आर्ट वो पढ़ना है, जैसे हनीवा हो गई, चाइनीज आर्ट हो गई, जिसमें ये आपको अच्छे से पढ़ना है, हैन डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, और जैपनीज के अंदर हनीवा पोट्री, और ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, आप जाके पढ़िए। भारत के अड़ोस पड़ोस के देश में आर्ट की क्या क्या एक्टिविटी हुई उसके बारे में है, यहाँ तक है। फिर आते हैं इंडियन फोक एंड ट्राइबल, जो इंडिया के अंदर फोक एंड ट्राइबल का जो डेवलपमेंट था वो आपको पढ़ना है। जैसे फर मैंने बताया राजस्थान की है, फर, पिछवाई, कांवड़, ये सारी किसके, राजस्थान की। ऐसे ही सारे टॉपिक दे रखे हैं, आपको जाना है सिंपली पढ़ना है। और देखिए ये टॉपिक को आप गूगल पे भी जाके ना सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वैसे ही मिल जानी है, ठीक है। तो इलेक्टिव वन में ये सारा था, इलेक्टिव टू की बात करते हैं जिसमें हम ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में ही हमें टॉपिक मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक एस्थेटिक का रहेगा, जिसमें यानी फंडामेंटल ड्राइंग, पेंटिंग, इमेजरी, ये सारी चीज़ें आएगी। और फिर रेवोल्यूशन देखा जाएगा स्टडी का एस्थेटिक के अंदर। फिर आएगा इंडियन एस्थेटिक, इंडियन एस्थेटिक में रस सूत्र की बात होगी, और आपको पता ही होगा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, तो वो सारा ही सब कुछ आपको इसमें आप यानी कवर करना पड़ेगा। फिर आनंद कुमार स्वामी और रविंद्रनाथ टैगोर, फिर आएंगे वेस्टर्न वाले एस्थेटिक, ठीक है, प्लेटो, अरिस्टोटल, क्लाइवेल, हीगल वगैरह सारे आएंगे आपको वेस्टर्न एस्थेटिक में। फिर आते हैं टॉपिक पे हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग की हिस्ट्री, जैसे बताया प्री हिस्टोरिक इंडिया की जो भीमबेटका की गुफा थी उससे लेकर जो रिसेंट तक की सारी पूछी जाएगी, वॉल पेंटिंग, अजंता, एलोरा, बादामी बाग, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ना है, कलकत्ता ग्रुप तक का ये सारा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे यहाँ तक आपके। फिर आएंगे वेस्टर्न पेंटिंग को पढ़ना है आपको, वेस्टर्न पेंटिंग जैसे इजिप्शियन में, एशियन में, बाइजेंटाइन, गोथिक, ये सारे सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ोगे ना तो, क्योंकि नेट के एग्जाम में सीक्वेंस तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सीक्वेंस यहीं से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल एंड मेथड, बहुत ज़रूरी है कि हम अगर प्रिंट मेकिंग कर रहे हैं तो कौन सा मेथड और मटेरियल चाहिए, पेंटिंग कर रहे हैं तो क्या मटेरियल, स्कल्पचर बना रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको अच्छे से ये सारे टॉपिक को कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आर्ट स्कूल एंड आर्ट एजुकेशन, जो आर्ट के स्कूल इस्टेब्लिश हुए और उनकी जो एजुकेशन थी वो डेवलपमेंट, वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर इलेक्टिव थर्ड पे आते हैं जिसमें आपको ज़्यादातर अप्लाइड आर्ट का बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री प्रिंसिपल डिज़ाइन का आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन का शब्द किसने निकाला टर्म, तो ये थे विलियम एडिसन डिगिन,
ठीक है, डिग मतलब डिजाइन, जिसने ग्राफिक डिजाइन का शब्द निकाला, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसे ही नहीं, जो एक एक आपको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इनोवेशन एंड मूवमेंट। अब देखिए अप्लाइड आर्ट में भी काफ़ी मूवमेंट हुए और इनोवेशन भी हुए, जैसे टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, बहुत सारे। तो ये सारे टॉपिक आपको हेल्प करेंगे टू रीड योर सेल्फ। सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, ये सारे टॉपिक आपको उसी के अंदर आएंगे। और एक एक टॉपिक, जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ ना, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस इन इंडिया, ये अलग, ये एक टॉपिक है। और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दूसरा टॉपिक है। लेटर प्रेस क्या है, ये अलग टॉपिक है। ग्रेवर क्या है, ये अलग टॉपिक। तो ये क्या है, ये सब 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 टॉपिक है, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक और सब टॉपिक को बता रहा हूँ, ये सब सब टॉपिक में पूरी वीडियो एक घंटे की बन जानी है, इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये एडवर्टाइजिंग फोरम और मीडिया में, ये आपके सारे टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करने हैं, जिसमें प्रिंट, आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, सिनेमा, ब्रांड, मास कम्युनिकेशन, सारे आपको एडवर्टाइजिंग की मीडिया में दिखेंगे ये सारे। फिर यहाँ तक कि ये हो जाएंगे। फिर डिज़ाइन कंपेन आएगा अप्लाइड के अंदर, कि डिज़ाइन क्या होता है, कंपेन क्या होता है, और पैकेजिंग कैसे की जाती है, और ब्रांडिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने होंगे, ठीक है। और ये सारी ना आप वीडियो की लिंक पे जाकर ना पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको यानी जो गोल सेट करने में आसानी रहे, कि मेरे को इतने टॉपिक एक दिन में करने हैं, तो मैं इतने दिन में सारे टॉपिक कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग कॉर्पोरेट एंड न्यू ट्रेंड, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप एक एक टॉपिक को गूगल पर सर्च कर लीजिए, और बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है वहाँ पे। इलेक्टिव फोर में आपको क्या मिलेगा, प्रिंट मेकिंग के बारे में, ठीक है, जिसे ग्राफिक आर्ट भी कहते हैं। प्रिंट मेकिंग में, प्रिंट मेकिंग के मेथड, प्रिंट मेकिंग के टेक्निक्स वगैरह आपको बताना होगा। एस्थेटिक एंड हिस्ट्री, वो बतानी होगी आपको, ठीक है, जैसे साइज, फॉर्म, साइज, शेप, लाइन, कलर, टेक्सचर, ये सारी आपको डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग विजुअल प्रिंसिपल, तो ये थोड़ा सा ना अगर आप ऊपर वाले देखोगे, और इसमें थोड़ा सा यानी हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, बट ग्राफिक आर्ट को आपको हाईलाइट रखना है। उकियोई, ये जापनीज टेक्निक है, ये स्कूल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक बता देना, जो बहुत आसान होने वाला है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मोड, मीडियम एंड प्रोसेस, क्या मोड यूज़ की जाते हैं, मीडियम और प्रोसेस क्या रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एचिंग में क्या यूज़ करते हैं, लाइन, एक्वाटिंट, सॉफ्ट ग्राउंड, वुड में हम यूज़ करते हैं लिनो कट, वुड कट, ठीक है, जो रिलीफ प्रिंटिंग होती है, इंटाग्लो प्रिंटिंग होती है। तो ये सारे टॉपिक ना छोटे छोटे टॉपिक हैं, और ये तो आपको ना विकिपीडिया पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी वहाँ पर भी अवेलेबल है, और ये सारे टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। और फिर इसी का देखते हैं टॉपिक, वर्क ऑफ आर्ट, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए इसमें देखिए आर्टिस्ट भी आ जाएंगे, उनके आर्टवर्क भी आ जाएंगे, और वो उनके आर्टवर्क कौन सी गैलरी में रखे हुए हैं, ये तक इस टॉपिक में पूछा गया है। ये तो हमारे इंडियन हो जाएंगे, ये ऊपर वाले वेस्टर्न थे, ठीक है। और ये वाले भी देख लीजिएगा कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कहाँ हुआ, प्रिंटिंग का कैसे हुआ। जैसे बोला जाता है प्रिंटिंग, जैसे सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट 1870 में हुआ, बंगाल सरकार द्वारा, वहीं पर यानी विज्ञापन एजेंसी भी खुली बंगाल में। तो ऐसे ऐसे क्या था, ये सीक्वेंस वाइज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फिर देखिए प्रिंट एंड इश्यूज़, प्रिंट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, कलर से लेकर बहुत सारे, यानी आपको एक एक टॉपिक में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना है। और देखिए इलेक्टिव फाइव में आपसे पूछा जाएगा स्कल्पचर के बारे में, मूर्तिकला के बारे में, उसके मटेरियल, मेथड, उनके कंडीशन, उनके सावधानियाँ वगैरह, ये सारे आपको स्कल्पचर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एलिमेंट एंड प्रिंसिपल पढ़ना पहले आप स्कल्पचर का सबसे पहले, तो उनमें ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके। फिर आएंगे स्टडी एंड वेरिड मीडिया इन स्कल्पचर प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे मीडिया और अलग अलग होंगे, जैसे क्ले एंड वैक्स मीडिया हो जाएगा, प्लास्टर पेरिस वाला हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको
स्टोन हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, ये सारे आपको रीड करने हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे सब टॉपिक बहुत अच्छे से डिफाइन है, तो आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से होने वाली है। असेंबलेज और इंस्टॉलेशन जो बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, जैसे अनीश कपूर और सुबोध गुप्ता के आप काम देखोगे तो वो असेंबलेज और इंस्टॉलेशन ही है। माउंटेन मोन्यूमेंटल स्कल्पचर ये भी काफ़ी बन रहे हैं आजकल, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ध्यान रखिएगा। और कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर, जो इंडियन मूर्तिकार है उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर वेस्ट के जो कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये थे हमारे इलेक्टिव 5 के पूरे 1 से लेकर 5 तक के टॉपिक, जिसमें बहुत अच्छे से सब टॉपिक दे रखा है, उसका भी सब सब टॉपिक दे रखा है, जिससे आपको ना गोल सेट करोगे ना तो अचीव करने में बहुत आसानी रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको गोल अचीव करना बता देता हूँ कि कैसे आपको उस गोल को अचीव करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये गोल है, ठीक है, इलेक्टिव के है 5 टॉपिक, और बेसिकली इलेक्टिव और यूनिट 10 तक ये सारे आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है, एक ही चीज़ है, यूनिट 1 से लेकर 10 तक। और बट मैं कहूँगा इलेक्टिव 5 तक आप फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। और यूनिट 1 से लेकर 10 तक कम सब जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कम किया हुआ है, बट इलेक्टिव 1 से लेकर 5 तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, आपको ना अपने गोल तक कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके सामने ना दो चॉइस हमेशा रहेगी, एक करेले वाली और एक आम वाली, ठीक है। ये दो सिचुएशन हर एक के पास रहेगी आजकल के समय में। देखिए, करेला आप सबको पता है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और वो एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, एक तंदुरुस्त बॉडी, ठीक है, जिसमें आपका डोला शोला दिख रहा होगा, ठीक है, और आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम जवान, एकदम सिक्स पैक। सिक्स पैक तो मुश्किल है बनना, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, बट मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है ना। तो एक करेला आपको हेल्दी बॉडी की ओर ले जाता है, बट एक आम आपको जैसा है वैसा ही रखता है। जैसे आप दुबले पतले थे तो आप दुबले पतले ही रहने वाले हों, ठीक है, आम खाओगे तो। समझ रहे हो कि आपके सामने करेला क्या है, वो पढ़ाई वाली, पढ़ाई करोगे तो आप एक अच्छे गोल पर जा सकते हो, अच्छे, ठीक है। एक जो आपने गोल तय किया है, जैसे नेट का पेपर क्लियर करना है, आपको GRF निकालनी है, तो आपको ये करेले खाने पड़ेंगे। मतलब ये जो इलेक्टिव 5 तक के जो टॉपिक है उसको एक एक करके यानी अचीव करना पड़ेगा। जब भी आप रोज के करेले खाओगे, जैसे आपने एक दिन में खाया, 2 दिन में खाया, वो 30वें दिन थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा, 60वें दिन दिखेगा, 90 का जो दिन होगा, 3रे महीने आपको रिजल्ट में काफ़ी भारी यानी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो वैसे ही आप इलेक्टिव 5 के जो पहला इलेक्टिव 5 के टॉपिक है, उस 10 टॉपिक को एक दिन में करने की कोशिश करो। चलिए 10 में से 9 होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको 9 के 9 टिक लगाइए। टिक लगाओगे ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास, है ना, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। टिक लगाओगे कि आज की दिन की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है मेरे पास, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप खुद ही देख रहे होंगे, ठीक है, कि आज ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है मेरे करेले खाने की। क्योंकि देखिए, करेला खाना किसी को पसंद नहीं रहता, कड़वा होता है, वैसे ही हमारी स्टडी होती है, किसी को करना पसंद थोड़ा होता है, बट हमें कुछ पाना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है ना। और आपको पता है, पढ़ाई करोगे तभी एक अच्छे पोजीशन पा पाओगे, समाज में भी और अच्छी जॉब भी, ठीक है। बट जब आप आम खाते हो, आम यहाँ पर मैं सोशल मीडिया को कहूँगा, सोशल मीडिया हो गई, जो भी जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, वो सारे ना आपको क्या है, वो थोड़े से समय के लिए आपको संतुष्टि देते हैं। जैसे आम खाते हो आप, थोड़े से समय के लिए आपको संतुष्टि मिलती है, बट वही पेट भरना, दोबारा खाली करना, भरना, पेट खाली करना। बट आप आम ना आपको कहीं बेनिफिट नहीं करता, आप जैसे हो आपको वैसे ही रखता है आम। बट वही करेला थोड़ा सा कड़वा होता है, बट आपको हेल्दी बॉडी की ओर ले जाता है, और करेला आपकी पढ़ाई है जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, ठीक है।
और आम वो सोशल मीडिया, वो डिस्ट्रैक्शन, वो फ्रेंड सर्कल जो आपको थोड़े से समय के लिए आपको यानी खुशी देगा, बट लंबे समय तक वहीं पर रखेगा, वहीं पर दबा कर, ठीक है, आपको कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचने देगा, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या चूज़ करना है, एक आम या एक करेला, ठीक है। तो ये मैंने आपको शायद अच्छे से बताने की कोशिश करी है कि गोल को कैसे सेट करना है आपको और कैसे अचीव करना है, ठीक है। रोज का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जब देखोगे, आप क्रिकेट खेलते हो या कोई सा भी गेम खेलते हो, तो जब आप कम स्कोर करते हो तो थोड़ा सा निराश होते हो, बट ज़्यादा स्कोर करने पर आप बहुत एनर्जी फील करते हो और आपके खुशी का लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है ना। तो वैसे ही आप रोज के ट्रैक करोगे अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को, तो आप जल्द ही उस गोल तक अचीव कर पाओगे, उस गोल को अपने पास ला पाओगे, ठीक है। रोज के टिक देखोगे आप, रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखोगे कि आज मैंने इतने टॉपिक को कवर कर लिया, इतने टॉपिक को कवर कर लिया, तो आपको अल्टीमेट वो चीज़ आसान लगेगी और ये करेला आपकी हेल्दी बॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये तो देखो विजुअल के, विजुअल आर्ट का जो पेपर है, सब्जेक्ट वाला पेपर तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बट जो जनरल पेपर होता है जिसमें आता है हमारा कम्युनिकेशन, पीपल एनवायरनमेंट और कंप्यूटर, मैथमेटिक रीजनिंग, ये जो 10 टॉपिक है ना, इसके लिए भी आप ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, दिन को समय में यानी सुबह सुबह उठो और एक टास्क तैयार कर लो अपने लिए और उस टास्क को खाली छोड़ दो ऐसे, और यानी डेफिनेटली जो शाम का समय होगा, रात का समय होगा, जब आप वो सारे टास्क कर लेते हो तो उसको टिक जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और वो टिक आपकी ना प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा आप ट्रैक करोगे उसे, ठीक है। तो ऐसे ही आप खुद को प्रोग्रेस भी करोगे, खुद को समझाओगे भी कि करेले खाने से ही आपकी बॉडी बनेगी, आपको अचीव मिलेगा यानी हर एक चीज़ में, ठीक है। कड़वा लगेगा पर चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये थे मेरे यानी मेरे करने के तरीके जो मैं अपने आप पर अप्लाई करता हूँ और शायद आपको भी बताने की कोशिश करिए। तो ऐसे ही आप बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए विजुअल आर्ट की और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 2012 से लेकर 2019 तक के पूरे 8 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे ना, 8 साल के 32 क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना, इसके 32 क्वेश्चन पेपर की मैंने बना रखी है पूरी सीरीज। आप लिंक पर जाकर, यहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर जाकर आप जरूर इन वीडियोस को देख लेना, जिससे आपका यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑलवेज स्माइल।